हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं हूँ पूजा राव और आज लेके आ गई हूँ देवरानी जेठानी का एक कंट्रोवर्सी। और इस कंट्रोवर्सी को ना ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को ना स्किप मत कीजिएगा, 2 मिनट थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। और देवरानी जेठानी के ऊपर ना मैं एक चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जेठानी जी को ये पता नहीं था कि देवरानी जी प्रेग्नेंट है, और ये मैं प्रूफ भी करने वाली हूँ, आगे बने रहिए। क्योंकि गाइस आप एक चीज़ सोचिए, एक ही घर में रहकर किसी को कैसे नहीं पता सकता है कि पता चल सकता है कि कोई 4 या 4.5 मंथ का प्रेग्नेंट है। और चलिए इसका प्रूफ वगैरह सब मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके पहले का इसमें आपको एक चीज दिखाती हूँ। अभी ना निकी ने एक कम्युनिटी डाला है YT पर, देवरानी जी ने कम्युनिटी डाला है गाइस। YT पर आई थी एक सपना पूरा करने, सपना कुछ करने का, कुछ कुछ खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। लेकिन उसी उसकी इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कभी सोचा नहीं था। तो निकी ने बोला है गाइस कि मैं अपने एक सपना जो ले गई थी, इसका इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। सच की इतनी सफाई, बस कभी इस वजह से, कभी उस वजह से, मतलब वो बोल रही है कि उसको सच की इतनी सफाई देनी पड़ी। और भी लिखा है, जो हादसा, जो दर्द भुलाना चाहती हूँ, वो YT पे एक टॉपिक बन जाएगा कभी कल। तो एक माँ के लिए गाइस, जब भी वो YT खोलेगी तो उसके बच्चे का जो लॉस हुआ है उसको लेकर ये जो वीडियो बन रहा है, बार बार बोल रहे हैं लोग कि हाँ नहीं पता था। मुझे भी नहीं लगता इस टॉपिक को इतना ना हाईलाइट करना चाहिए इसमें, और सब टॉपिक लेके चलिए कि इसने क्या बोला, क्या बद्दुआ दिया, नहीं दिया, दुआ दिया, लेकिन इस टॉपिक पे मुझे लगता है कि नहीं बात करनी चाहिए। आप लोग का क्या ख्याल है? इसने एक चीज लिखा है, काश पता होता कि प्रेगनेंसी न्यूज किसको कैसे शेयर करनी है तो आज ये झूठे सवाल ना उठते। सवाल चीज छुपाने के, ना ही मुझ पर ही, ना मेरे परिवार पर। खैर, जो दिल से जुड़ा है वो तब भी समझा था और आज भी समझेगा। सफाई देते देते थक गई हूँ, मतलब उसे कहने का मतलब मैं भी इस चीज़ को एग्री कर रही हूँ गई कि देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पता होगा, हो सकता है जेठानी जी को बताया नहीं गया हो पर्सनली, नहीं कि जब बात होती नहीं तो बताएगा कैसे कोई, और क्या पता उन दोनों के बीच में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन ये दोनों इतनी कैपेबल है ना, दोनों इतनी कैपेबल है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, दोनों अगर साथ मिल के रहे ना तो इनका दोनों का वीडियो इतना ज़्यादा व्यू जाएगा, सब जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जेठानी जी को पता था। आप लोगों में से कितनी, एक औरत होने के नाते आप बताइएगा, मैं तो, हमारे घर के आसपास में तो कोई अगर औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो हम लोग उसका फेस देख के बता देते थे। यूट्यूब पर बहुत लोग कमेंट्स, निकी का ना बिहेव देख के बहुत लोग कमेंट कर दिए थे कि निकी प्रेग्नेंट है, निकी प्रेग्नेंट है। तो ऐसे कैसे हो सकता है फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर ही रह के एक इंसान को ये पता ना हो कि हमारी देवरानी प्रेग्नेंट है? आप पहले इस चीज़ पर बताइएगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है, वो जानती हैं, तो इसमें कोई उनकी गलती नहीं है, जानती हैं, वो तो घूमने गई थी, उनको क्या पता था कि उसी दिन ये सब एबॉर्शन का काम जो होगा होगा। और एक कोई अचानक से निकी बीमार पड़ के हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुई थी, उसको दवा दिया गया था, उसको ऐसा प्रोसेस होता है बेबी को नष्ट करने के लिए, ये सारे प्रोसेस थे जो उसको किया गया है। तो इसमें जेठानी जी की कोई गलती नहीं है, मैं गलती नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जेठानी जी को ये बात नहीं पता थी। चलिए, उससे मुझे क्या लेना देना या आपको क्या लेना देना है, लेकिन ये मैं मतलब देखिए, मुझे लग रहा है कि जेठानी जी को ये बात पता था। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। और भी जो चीज़ें देखिए, जो ननद जी के लिए देवरानी ने बोला है कि वो उनकी माँ के पैरों पर पड़ी, जिसके वजह से ही कंट्रोवर्सी करना उनके तरफ घूर गया सब कुछ। ये तो सब कुछ अभी लोग जेठानी जी को टारगेट कर रहे थे, जेठानी जी को टारगेट कर रहे थे। उस रिएक्शन चैनल पर आकर उन्होंने ना ये कमेंट्स किया होता और शॉर्ट्स बना बना के ना वो हर एक चीज़ को जब जान मतलब उन्होंने ओवर कर दिया, जिसके वजह से आज उनके जाल में ना खुद के जाल में खुद ही फंस गई हैं। और फंसी वो हैं तो अभी सोचना ये पड़ेगा कि ननद ने छोटी भाभी को फंसाया है या बड़ी भाभी को फंसाया है, या छोटी भाभी ने ननद को फंसाया है, या छोटी भाभी बड़ी भाभी ने मिलकर ननद को धो दिया है, कि आखिर इसमें से असल में जीता कौन है गाइस? ये आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, आप लोगों के हिसाब से इसमें से कौन जीता है और कौन हारा है, आप एक बात मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लेकिन किसी को भी ना, मुझे नहीं लगता रिएक्शन चैनल वाले हो तो और कोई भी हो तो किसी की प्रेगनेंसी के ना इतनी खबर अब नहीं बनानी चाहिए। और ये मेरा ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगा, एक वीडियो मैं शूट की हूँ जो अपलोड है, तो शायद सुबह डालूंगी,
तो एक वीडियो में उसमें निगेटिव कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, और इस वीडियो में बस प्रेगनेंसी की जिक्र हो रही है और मैं तो नहीं करने वाली हूँ। तो मैं भी आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी, इस टॉपिक को छोड़ के बाकी जो टॉपिक लेना है कि उसकी मम्मी ने घर में ये किया है, तो उसके पापा ने किया है, जो यूट्यूब पर जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, देखिए एक दूसरे पर सभी इल्ज़ाम लगा रहे, लेकिन असली यहाँ पर गुनाहगार कौन है अब समझना बहुत मुश्किल हो गया। और किसी की ना दुआ बददुआ लेके कोई लाभ नहीं है गाइस, तो आप अपने बारे में सोचो, अपने पॉजिटिविटी सोचो। जो हो गया उनकी फैमिली है, और उन्होंने बोला भी है कि अपने फैमिली का ही साथ देंगे, तो दोनों फैमिली में मिलकर, मुझे लग रहा है आज उनके फैमिली में मिलकर बातें कुछ किए होंगे या झगड़ा लड़ाई ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उनको सॉल्व कर लेना चाहिए इन सब बातों को। और यूट्यूब या तो पूरे सेपरेट हो जाए या तो यूट्यूब पर ना देख, क्योंकि देखिए मुझे लगता है ना कि घर वाले नहीं बुलाते हैं ना कामनी जी के मम्मी पापा को, तो खुद कामनी जी को अपने मम्मी पापा को अपने घर में बुलाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं उन्हीं के सॉरी मतलब देवरानी जी के फंक्शन में वो नहीं जाएंगी, जेठानी जी के फंक्शन में उनको बुलाना चाहिए, अपने बच्चे का फंक्शन करे तो बुलाएं, अपने पूजा पाठ करे तो बुलाएं। अभी शौरी या मौरी का सबका ना नाटक आप लोग सब छोड़ दीजिए, और खुश रहना है तो आपको यही करना पड़ेगा। जब सेकेंड फ्लोर का पूजा कीजिए तो आप ही शुरुआत कीजिए, अपने मम्मी पापा को आदर सम्मान के साथ बुलाइए, आप अपने घर में बुलाइए, देवर देवरानी से आपको मतलब नहीं रखना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। अगर ऐसे रिश्ते को ना लेकर कोई फायदा मतलब चलने का कोई लाभ नहीं है, जो पीठ पीछे आपको इतनी बड़ी प्रेगनेंसी की न्यूज आपको जब एक घर में, आप मान लीजिए आप बोल रही हैं कि देवरानी ने बताया नहीं, मैं मान ले रही हूं, लेकिन कैसे आपको पता नहीं चला कि आपकी देवरानी प्रेग्नेंट है, इस बात पर मैं मतलब मैं मुझे पसंद नहीं आया ये बात, मुझे हजम नहीं हो रही ये बात, तो ये बात ना प्लीज आप लोग मत बोलिए, क्योंकि देखिए आसपास के लोगों को पता चल जाता है, या जो औरत एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो। थोड़ा बहुत इंसान एक जगह रहता है, किचन में खाना बना रहा है, कभी उसका तबीयत खराब, कभी तो इंसान की क्या कभी सास ने कभी जिक्र ही नहीं किया, या मतलब ऐसा क्या हो गया कि किसी को अंदाजा तक नहीं लगा कि एक औरत इतने मंथ की प्रेग्नेंट है, जबकि यूट्यूब पे सब लोग देख के उससे कमेंट्स कर दे रहे थे। तो ऐसा क्या नज़रों में क्या है लोगों की, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये वीडियो ना मतलब मैं इमोशनल होकर नहीं बना रही हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बात पे ना निकी का थोड़ा गौर करना चाहिए, और इस टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक कि भैया ने क्या बोला उनके मम्मी पापा के बारे में, उनके सास ससुर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में सब बोलिए आप लोग, लेकिन बच्चिया वाला टॉपिक छोड़ दीजिए आप लोग, मुझे ऐसा लगता है। और आगे आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि बच्चे वाले टॉपिक को आगे करना चाहिए, सारे चैनल वाले को तो मैं बोल रही हूँ, मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ, देखिए मैं मुझे बोलने का कोई ये नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है तो मैं बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो आप कीजिए, आपकी मर्जी है, पर मुझे नहीं लगता है। और मुझे मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है जेठानी जी को ये पता था कि उनकी देवरानी प्रेग्नेंट है। हाँ ये कोई प्लानिंग के साथ वो कहीं गई नहीं थी, प्लानिंग के ये सब जो होनी अनहोनी है अलग बात है, सब जगह वो सही है, लेकिन इस जगह पे मुझे थोड़ा डाउट है। औरत होने के नाते आप बताइएगा कि आपकी थिंकिंग आपकी सोच क्या है। और मैं यहाँ पे निकी को मैं नहीं बोलूँगी कि उनको नहीं पता, हाँ निकी ने ढोल पीट के यार उनको जाके कि दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ हो सकता है ये बात नहीं बोला है, लेकिन मैं पूरा श्योर हूँ कि उनको पता था। अब आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।